आगे बढ़ते हुए एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव तहसील ठाकुर द्वारा थाना ठाकुर द्वारा स्थित ग्राम बुद्ध नगर पड़ा। लगभग 3000 की आबादी वाली यह ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से 55 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 7 किलोमीटर ही है। वर्तमान समय में इस गांव के प्रधान वीरेंद्र सिंह हैं। वर्तमान प्रधान ने इस गांव में बेहतर तरीके से विकास कार्य कराया है। लगभग 1300 की कुल वोटर संख्या वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। बात अगर गांव में आने वाले लाभों की करें तो विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन व विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले सभी लाभार्थियों को ग्राम प्रधान द्वारा पूरा लाभ मुहैया कराया जा रहा है। वहीं बात अगर शिक्षा की करें तो प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूलों में लगभग 170 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए। जब एबीपीएस न्यूज की टीम ने ग्राम प्रधान द्वारा कराए गए कार्यों की समीक्षा की तो पाया वर्तमान प्रधान ने गांव में लगभग 30 हैंडपंप लगाए हैं, लेकिन अभी भी सरकार से कुछ और हैंडपंपों की मांग है जिससे ग्रामीणों को पेयजल दिक्कतों का सामना न करना पड़े। उन्होंने बताया कि गांव में बिजली व्यवस्था दुरुस्त कराने के लिए लगभग 120 बिजली के पोल व 7 बिजली के ट्रांसफार्मर भी वर्तमान प्रधान के काल में लगाए गए हैं। उन्होंने अपने गांव में 20 सड़कों का निर्माण भी करवाया है, साथ ही साथ शौचालय यानी कि इज्जत घरों का निर्माण करवाकर ग्रामीणों में वितरित भी किया जा चुका है। वहीं 5 आवास आंगनबाड़ी केंद्र में टाइल भी प्रधान द्वारा लगवाई जा चुकी है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने जल्द से जल्द गांव में अस्पताल, सड़क निर्माण, 6 आवास, खेल का मैदान, सोलर लाइट और सफाई कर्मियों की भी राज्य सरकार व केंद्र सरकार से मांग की है। मैं ग्राम प्रधान वीरेंद्र सिंह, ग्राम पंचायत बुधनगर। हमें अभी लगभग 2-4 हैडपंपों की जरूरत है। हमारे यहाँ शमशानों में हैडपंप नहीं है, बच्चों खेलने के लिए मैदान नहीं है, अस्पताल की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं राज्य सरकार से चाहता हूँ कि थोड़ी और रकम बढ़ा दी जाए, धनराशि बढ़ा दी जाए तो हम इस काम को करा सकें। फिर नालियों की मरम्मत होनी है, ऐसे काफ़ी काम है, कुछ खंभों की ज़रूरत, लाइन की ज़रूरत जिससे गाँव में बहुत दिक्कत बन रही है। आवासों की ज़रूरत है, शौचालय का काम तो चल ही रहा है, शौचालय भी अभी पूरे नहीं मिल पा रहे हैं, 50-60 शौचालय सारे मिले हैं, यदि और मिल पाएंगे तो पूरा गांव हमारा ODF घोषित हो चुकेगा। वहीं ग्रामीणों ने भी एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए प्रधान द्वारा कराए गए सभी कार्यों की सराहना की और बताया कि प्रधान व्यवस्थित तरीके से काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि गांव में पानी की निकासी की व्यवस्था ठीक नहीं है, सरकार जल्द से जल्द इस ओर ध्यान दे, साथ ही साथ गांव में स्वास्थ्य सेवाओं को भी दुरुस्त कराए। हाँ, मैं मदन पाल बोल रहा हूँ। हमारी ग्राम पंचायत जो है बुद्धनगर है। हमारे जो प्रधान जी हैं वीरेंद्र सिंह, वो बहुत अच्छा कार्य करवा रहे हैं, बिना भेदभाव के काम हो रहा है। गांव के अंदर शौचालय, गांव के अंदर तुम्हारे आवास, सड़कें बहुत अच्छी तरीके से बन रही हैं। और मैं ये अनुरोध करूंगा कि अगर और थोड़ा सा ज़्यादा पैसा ग्राम पंचायत को मिल जाए तो बहुत अच्छा कार्य क्या में जो है हमारी ग्राम पंचायत के अंदर हो सकता है। बिना भेदभाव के बहुत अच्छे तरीके से हमारे यहाँ विकास हो रहा है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की भी। और मैं ये अनुरोध करूँगा गवर्नमेंट से कि अगर अच्छा पैसा मिल जाए तो ये बहुत बढ़िया कार्य कर सकते हैं। राजकली मेरा नाम है, बुद्धनगर के रहने वाली हूँ। प्रधान जी हमारे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, देखभाल गरीबों की बहुत मदद कर रहे हैं, आवास भी हमारा बनवाया है।